हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर स्टडी पॉइंट। डी आई सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर हम लोग बेहतरीन दो डी आई को देखेंगे। चलते हैं बिना देरी किए सवालों की ओर। जो लोग मेरे बारे में या डी आर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग का पहला डी आई कुछ इस तरीके से है। देखो, डी आई में क्या बोल रखा है कि टेबल गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए, जो कि टेबल जो नीचे दिए हुए है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, स्टेट ए के पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज मोर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी फ्रॉम स्टेट ए। देखो ये वाला कॉलम जो है ए के पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये वाला कॉलम जो है बी का इंडिकेट कर रहा है कि वो ए से कितना परसेंट अधिक है। अगर बी का हम लोग का 2011 में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 22500 था और 40% अधिक का मतलब क्या, 140/100, ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल फ्रॉम स्टेट ए, ठीक है, मेल और फीमेल का दे रखा है ए में। फिर दे रखा है मेल पॉपुलेशन और इन बी, बी में मेल पॉपुलेशन दे रखा है, ठीक है। और फिर आपको ये सारा चीज़ डाटा जो दिए हुए है वो कितने सालों का है, 5 सालों का है, और इसी के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान रखो कि यहाँ पे इस बेसिस पे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल देखो क्या दे रखा है तुम्हें। पहला सवाल में दे रखा है कि व्हाट इज़ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी ऑफ द ईयर 2011-2012 में, ठीक है। स्टेट बी का जो फीमेल का पॉपुलेशन है, तो सबसे पहले स्टेट बी का टोटल फॉर्म पॉपुलेशन हम लोग फीमेल पे आने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान देखो कि यहाँ से हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ मेल दिए हुए हम लोग को क्या करेंगे, उसमें ले जाके घटा देंगे। तो जब मेल टोटल में मेल घटा जाएगा तो क्या बचेगा, फीमेल बचेगा। तो यहाँ से देखो, तब सबसे पहले टोटल कितना है, 22500 का 140/100, कितना, 100, ठीक है। और फीमेल निकालने के लिए क्या करेंगे, 20250 कर देंगे। अब ध्यान रखो यहाँ से सवाल में कि तुम ये दो जीरो काट दोगे। अब इसके बाद इसे सॉल्व करने का तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अब मल्टीप्लाई करना होगा, घटाना होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान रखो कि थोड़ा सा आसान करना है इसे, तो क्या करो ना यहाँ पे कि तुम देखो यहाँ 25 तो कॉमन आ ही जाएगा, ठीक है, और ये जो 2025 है यहाँ से भी तुम्हारा 25 कॉमन आ जाएगा। एक जीरो यहाँ से कॉमन ले लो, एक जीरो यहाँ से, मतलब लिटरली तुम पूरा पूरी 250 कॉमन ले लो। तो यहाँ से 25 लिए तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 से 225, यानी कि 9 बार में, गुने में 14, माइनस में 2025 है तो 25 से 8 बार में 200, यहाँ तक 25 है यानी कि 81, ख़त्म हो गया यहाँ से 250। 19 × 4 होता है 126, ये 126 देगा, 81 घटा दो क्या देगा तुम्हें, 45 देगा, यानी कि यहाँ से तुम्हें मिल गया 150 × 45। अभी इसे गुना मत करो, ठीक है, आगे चलो। आगे और तुम्हारा क्या है, तो 2011 की बात हो गई। अब 2012 में आ जाओ, फिर वही सेम चीज़ करो 2012 में भी, 37500 गुने में 120/100, कितना, 100, ठीक है। फिर माइनस कर दो 26250। देखो जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल अगर कॉमन आ सकता है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ फिर देखो, इसमें से 25 यहाँ से एक जीरो, इसमें से 25 यहाँ से एक जीरो कॉमन ले लो, यानी 250 फिर कॉमन ले लो। 250 जब कॉमन लोगे तो 375 को तुम्हें यहाँ पे डिवाइड देना है, 375 तुम्हारा हो जाएगा 25 से कितना बार में कटेगा, 12 और 3 15 और गुने में कितना, 12। फिर यहाँ पे ध्यान दो, 25 से कट जाएगा एक बार में, फिर यहाँ जीरो उतरेगा, फिर 125 है यानी कि कितना बार में, 5 बार में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर दो 105 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 250 गुने में 15 × 12 होता है 180, 180 में 105 चला गया, यानी कि कितना बचा, 75, ठीक है। ये हो गया 2012 का, ये हो गया 2011 का। अब देखो यहाँ भी 250 कॉमन है, ठीक है। अब तुम्हें इन्हीं दोनों का सम निकालना है, तो 250 फिर तुम कॉमन ले लो, 45 प्लस में 75 कर दो, और यहाँ से फिर इसे फाइनली सॉल्व कर दो। तो 275 और 45 को जब तुम जोड़ोगे तो वो तुम्हें देगा 120, हो गया सवाल सॉल्व। 120 जब तुमने कर लिया तो 25 × 100 होता है तुम्हारा, 25 × 10 होता है 2500, और 25 × 250 यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहाँ 250 में तुम 50 जोड़ दोगे तो वो 300 हो जाएगा, यानी कि लमसम में ये तुम्हारा कितना देगा, 30,000। लमसम में क्या, पूरा पूरी बोल दो, 25 × 120 करोगे तो वो कितना देगा, 30,000। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30,000, ठीक है। तो ध्यान रखो कि जहां तक पॉसिबल हो वहां तक क्या ले लो, कॉमन ले लो। यहां भी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते थे और आगे करते, यहां पे अगर कुछ डिफरेंट आ जाता तो,
ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान रखो, कॉमन लेने से तुम्हारा सवाल जो होता है ना बहुत आसानी से बन जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल बन जाए, ठीक है, कुछ सवाल अटकते भी हैं लेकिन मैक्सिमम सवाल बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चलो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में बोल रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन स्टेट ए इन द ईयर 2012, स्टेट ए में फीमेल टू द टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन स्टेट बी इन द ईयर 2013, बी में 13 का फीमेल बताना है और रेशियो बताना है ए का फीमेल के साथ 2012 में। तो ए का फीमेल तो निकल जाएगा 37500 है, यहाँ से रेशियो दिए हुए है, फीमेल निकाल देना है, क्या हो जाएगा 37500 का 1/3 में कितना 3, मेल फीमेल का रेशियो दिए हुए है। अब इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, बी का फीमेल के साथ, तो बी का फीमेल कब 2013 में, तो 2013 में कैसे निकलेगा, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 42,000 का 25% अधिक यानी कि 125 बटे में 100, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे कितना 21,000। अब यहाँ से ध्यान दो, 3 से जब तुम इसे काटोगे तो 3 से ये कटेगा तुम्हारा कितना बार में 12500, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में तो तुम्हारा 12500 हो गया, नीचे में देखो 21,000 कॉमन ले लोगे, तो 21,000 तुम जब यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2 गुने 125 होता है तुम्हारा 250, यानी कि यहाँ लिख दो 250 बटे में 100 माइनस में 1, 250 में 100 चला जाएगा कितना बचेगा 150, यानी कि फाइनली तुम्हें क्या मिल गया 12500 बटे में 21000, और नीचे में क्या आ गया 150, ऊपर में क्या चला जाएगा 100, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जितना जीरो है सब जीरो को काट दो, 3 0 यहाँ से 4 0 ख़त्म, ठीक है। 5 से काट दो इसे 3 बार में, 5 से काट दो इसे तुम 25 बार में, ठीक है, यानी कि तुम्हारा जो आंसर आएगा यहाँ से जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद तुम्हारा क्या बच गया यहाँ पे 25, ठीक है, और रेशियो में 21:3 कितना होता है 63, 25 रेशियो में क्या हो गया 63 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो क्या हम लोगों का, टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इन द ईयर 2013 and 14 टुगेदर, ईयर 2013 और 14 में मेल पॉपुलेशन ए का, ठीक है, इज हाउ मच लेस देन द टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन स्टेट बी इन दोज टू ईयर, यही दो साल में बी का फीमेल बताना है। तो सबसे पहले मेल निकाल लो तुम, मेल जब निकालोगे 2013 में कितना है 42,000 है, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3/7, तो 42,000 गुने में क्या 3/7 प्लस में 2013 जब हो गया, तो फिर अब यहाँ से आ जाओ 2014 में, 2014 कितना है हमारा 32,000 है, 32,000 का मेल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3/8, 8 से काट दो इसे यहाँ 4 बार में 4,000 हो गया, 7 से काट दो इसे 6 बार में यहाँ 6,000, 6 × 3 = 18,000, 4 × 3 = 12,000, जोड़ दिया 18 × 12 कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है, 30,000 हो गया तुम्हारा मेल। अब क्या करना है तुमसे, कितना लेस देने मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो फीमेल निकाल लो बी में, फीमेल जब तुम निकालने के लिए जाओगे तो फीमेल कैसे निकालोगे, अब ये देखो सबसे पहले तुम फीमेल निकाल लो 2013 का, तो 2013 का फीमेल कैसे निकलेगा 42,000 गुने में 125 बटे में 100 और माइनस में कितना 21,000। अभी हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था, 21,000 कॉमन ले लिया था, यहाँ 250 बटे 100 माइनस 1 आया था, यानी कि फाइनली इसे हम लोग ला के क्या कर सकते हैं 21,000 गुने में 150 बटे में 100, ठीक है। अब एक और साल का देख रहे हैं तुम्हें, 2014 का, 2014 का भी देख लो, 32,000 गुने में 115 बटे में 100, ठीक है, और फिर माइनस में 17600। अब देखो यहाँ पे तुम यहाँ इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो, तुम क्या करो यहाँ पे 00000 यहाँ से काट दो, 00000 जब तुम यहाँ से काट दिए तो अब 320 को तुम्हें क्या करना है 115 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि इससे किए बिना तुम्हारा और कोई भी उपाय नहीं है यहाँ पे। तो जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे 320 को 115 से तो ये तुम्हें देगा 36800, ठीक है, और माइनस कर दो 17600 से, तो जब ऐड करोगे तो ये तुम्हें देगा 19200। जब कोई उपाय नहीं है तो इसको भी सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे यहाँ से 00 खत्म हो गया, 150 गुने में 210 कर दो तो ये तुम्हें देगा 31500। मतलब फीमेल जो है 2012 में इतना था, 2013 में इतना था, अब तुम्हें क्या करना है दोनों को सबसे पहले ऐड करना है, ऐड करोगे तो यहाँ तुम्हें देगा 50,700, ठीक है। जब 50,700 हो गया तुम्हारा फीमेल और मेल यहाँ 30,000 है, तो तुम्हें क्या बोला था इन दोनों से कितना कम है, यानी कि लिटरली तुम्हें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, 50,700 में 30,000 चला जाएगा, क्या बचेगा 20,700, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20,700, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है।
नेक्स्ट में देखो क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इन द ईयर 2011 एंड 13 टुगेदर, टोटल पॉपुलेशन बी में जो 11 और 13 टुगेदर था, टुगेदर मिला के है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इन द ईयर 13 एंड 15 टुगेदर, ए का कितना परसेंट है। तो ए में देखो तो 13 में कितना है 42,000, यहाँ पे कितना है 54,000, ऐड कर दो तो यहीं पे तुम 96,000 हो जाएगा। इसका कितना परसेंट है, किसके लिए निकालना है तुमको, इसका कितना परसेंट है बी में टोटल पॉपुलेशन 11 और 13 का। तो बी का 11 में देखो तो कितना पॉपुलेशन है 225,000 का 140/100, ठीक है। फिर प्लस में 11 हो गया, 13 में देखो क्या है तुम्हारा, 13 में 42,000 का 125/100 में कितना 100 100 100 एंड 100 ख़त्म, ठीक है। 3 जीरो यहाँ से हटा दो, 3 जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, ठीक है। और कुछ भी हटा चाहो तो तुम हटा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे तुम गुना कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर हटाना चाहोगे ना तो तुम इसे हटा सकते हो, ये 12 का मल्टीपल है, या तो 12 के मल्टीपल में खोज लो या फिर इसके रिस्पेक्ट में सारा चीज़ खोल दो, यानी कि 8 के रिस्पेक्ट में भी तुम कर सकते हो। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। 225 गुने तुम्हें क्या करना है 14, 225 गुने 14 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको दो तरीके से गुना कर सकते हो, या तो 225 गुने 10 कर दो और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 225 गुने आसानी से निकल जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें मिलेगा 3150, ठीक है। फिर 42 × 125 में आ जाओ, 42 × जब 125 करोगे तो ये तुम्हें देगा 5250, ठीक है। यानी x की वैल्यू जो निकल के आ गई यहाँ से, तुम जब ऐड करोगे तो 5250 और यहाँ 3, यानी कि ये तुम्हें देगा 8400, और 96 गुने में था तो बटे में 96 भी कर दो। अब यहाँ से देखो 12 से तुम काट दोगे, 12 से ये कट जाएगा 8 बार में और ये कट जाएगा 700 बार में, यानी कि तुम्हें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 7/8×100, ठीक है। अगर तुम्हें याद होगा तो 7/8 होता है 12.5%, ठीक है। तो 7/8 निकालना है, 7/8 यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, कि यहाँ पे सीधा सीधे तुम इसे 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 - 1/8 = 7/8। 1 का मतलब होता है 100%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। जब घटाओगे तो ये तुम्हें देगा 87.5%, जो कि 7.8 की वैल्यू होती है, यानी 7/8 का मान कितना दे दिया 87.5%, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट में क्या है हम लोगों का, क्या बोल रखा है सवाल में, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंट इंक्रीमेंट इन द टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी। स्टेट बी का टोटल मेल पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे, 2012 में, 2014 में और 2015 में, इन तीनों को। तो इन तीनों को जब ऐड करोगे मेल पॉपुलेशन को, तो थोड़ा ऐड करके देखो तो तुम्हें कितना दे रहा है, 26250 है तुम्हारा, 17600 है तुम्हारा, फिर 32400 है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से ऐड करो 50, 6 4 10 2 12, एक हाथ में 7 3 10 और 6 कितना 16, एक हाथ में 3 2 5 1 6 और 1 7, यानी कि ऐड करने के बाद तुम्हारा मेल पॉपुलेशन कितना निकल गया 76250, ठीक है। इन द ईयर टुगेदर फ्रॉम स्टेट ए, स्टेट ए से, तो स्टेट ए का तुम्हें मेल पॉपुलेशन निकालना है, तो स्टेट ए का देखो 2012 का तुम मेल कैसे निकालोगे, यहाँ पे मेल का कैसे का निकालना है, मेल का निकालना है, ठीक है। तो स्टेट ए का तुम देखो मेल कैसे निकाल रहे हो, यहाँ पे तुम क्या करोगे 37500 का 2/3 निकालोगे, तो यहीं पे हम लोग लिखते चले जा रहे हैं 2/3। बी के लिए क्या करोगे 3/8 निकालोगे, और सी के लिए क्या करोगे 11/18 निकालोगे। 18 से कट जाएगा ये 3 बार में, यानी कि यहाँ से कितना मिल जाएगा 33,000, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाओ 8 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो 4 3 जाए कितना मिल जाएगा 12,000। 3 से कट जाएगा ये 1 2 और 5 बार में, ठीक है। तो 125,000 को जब तुम 2 से गुना करोगे तो तुम्हें कितना देगा 25,000 देगा, यानी कि यहाँ से तुम्हारा आ गया 25,000, ठीक है। 25,000, 33,000 और यहाँ से तुम्हारा कितना 12,000 ऐड करोगे तो ये तुम्हें कितना देगा 70,000 देगा। अब तुमसे पूछा है कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 70,000 है, 76250 है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 6250। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट तुम्हें निकालना है, बटे में क्या लिख दो, ओरिजिनल लिख दो। तो बटे में जब तुम ओरिजिनल लिख दोगे, गुना 100 कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 00000 खत्म, यहाँ से ये खत्म। अब 70 से तुम्हें क्या करना है, इसे डिवाइड देना है,
तुम जैसे भी डिवाइड दो, डिवाइड तो नॉर्मली तुम एक ही तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो डिवाइड जब तुम दोगे तो डिवाइड देने के बाद तुम्हारा ये आंसर देगा 8.93, ठीक है, परसेंट, और ये है तुम्हारा आंसर होगा। अब देखो इस सवाल को ना तुम्हें डिवाइड देने का भी कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। क्यों डिवाइड देने का ज़रूरत नहीं था, अब तुम यहाँ पर ध्यान से गौर से देखो, ये तुम्हारा 70 है, ठीक है। 70 से तुम्हें 600 के अप्रॉक्स में जाना है। जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 560 तुम्हें देगा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा, 630 देगा। 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हें दिया 8 7 जा 556, यानी 560। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 630, ये 625 है तो 9 वाला होगा नहीं, डेफिनेटली क्या होगा, 9 से कम होगा। अब 9 से कम होगा और 8 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब 8 से ज़्यादा और 9 से कम वाला ऑप्शन देखो कितना है, एक ही ऑप्शन है क्या। तो ये सब चीज़ ना तुम्हें देखना होगा, अगर नन ऑफ दीज नहीं है ऑप्शन में हमारा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सवाल को आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पहला डीआई आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग अगले डीआई की ओर, अगला डीआई हम लोग का क्या बोल रहा है, चलो देखो नेक्स्ट डीआई क्या है हम लोग का। नेक्स्ट डीआई में क्या दे रखा है कि पहला बोल रखा है, बिलो पाई चार्ट शोज द स्कूल ऑफ टीचर्स रिक्रूटेड फ्रॉम वेरियस सिटीज ड्यूरिंग 2015। पहला पाई चार्ट जो है ये डिफरेंट तुम्हें बता रहा है कि अलग अलग जगहों से जो तुमने ये टीचर्स को रिक्रूट किया है वो बता रहा है। जैसे ये पी का 16%, क्यू का 18%, आर का 20, एस का 14, टी का 12 और यू का 20%, ठीक है। फिर नीचे एक टेबुलर दिए हुए है, बिलो टेबुलर डाटा शोज द रेशियो ऑफ प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल टीचर फ्रॉम वेरियस सिटीज ड्यूरिंग 2015। प्राइवेट से गवर्नमेंट का तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, मतलब ये जो तुम्हारा टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ है वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट में गए हैं, उसका तुम्हें रेशियो दिया हुआ है। ध्यान रखो इस सवाल में कि इस सवाल में तुम्हें ओरिजिनल डाटा नहीं दिया गया है। ओरिजिनल डाटा मतलब क्या है, तुम्हारा कोई एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं दिया हुआ है जिसका ये डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें दे रखा है, ठीक है। बस तुम्हें ये बताया कि ये 16% उठाया गया या 18%। तो अब तुमको यहाँ से ये आइडिया हो गया कि हर एक सवाल का डेटा जो है वो बदल बदल के देने वाला है, ठीक है, मतलब लिटिल बिट थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ गवर्नमेंट स्कूल टीचर फ्रॉम सिटी आर इज 1800, सिटी आर से गवर्नमेंट टीचर जो है 1800, यानी 2 का मान 1800 के बराबर है, तो ये पूरा 3 2 5 है हमारा, तो 1 का मान हो जाएगा 900 के बराबर, 5 का मान हो जाएगा हमारा 4500 के बराबर, ठीक है। 4500 मतलब क्या, टोटल टीचर। अब आर में तुम देखो टोटल कितना है तुम्हारा, 20% है। फिर तुम यहाँ से देख लो, 20% का मान 4500 के बराबर है, तो पूरा पूरी 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 4500 गुने में कितना, 5, जो कि कितना होता है 225 00, ठीक है, टोटल निकल गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर फ्रॉम पी क्यू टी टेकन टुगेदर। पी क्यू टी से प्राइवेट स्कूल टीचर का तुम्हें एवरेज बताना है। तो अब तुम ध्यान दो, पी से तुम जब आओगे तो पी में तुम्हारा 16 का अगर तुम प्राइवेट देखोगे तो कितना है, 16 का 3/5, ठीक है। क्यू में जब तुम देखोगे तो कितना है तुम्हारा, 4/9, और तुम टी में जब देखोगे तो टी में तुम्हारा 12 है, यानी कि 2/5, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ये सभी जो हैं 3/5 4/9 2/5, ये कितना का है, 225 00 का है। तो यहाँ से तुम लिख दो 225 00, चूँकि सब परसेंटेज में है तो हम लोग यहाँ से 100 भी कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या करो, 16 का 3/5 प्लस में 12 का 2/5 टी का लिख दिया, अब क्यू का बचा है, क्यू का भी लिख दो यहाँ पे, तुम क्यू का लिख दो यहाँ से 18 का 4/9, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सम। अब तुम्हें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन सबको 3 से डिवाइड देना होगा, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे सॉल्व कर दो तुम यहाँ से, 225 है यहाँ से तुम्हारा ये कट जाएगा, तो 3 से काट दो इसे, 3 से काटोगे जब तो ये तुम्हारा 7 21 और 5 कितना 75, ठीक है, 75 दे देगा, 75 है यहाँ पे तुम्हारा। अब गुने में यहाँ पे देखो, 16 3 जा 48, 12 2 जा 24, ठीक है, 48 और 24 को जब तुम ऐड करोगे तो 72/5 देगा, 9 से काट दो इसे 2 बार में, 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा। और फर्दर इसी को तुम्हें सॉल्व करना है, 75 है गुने में 72 है, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40 जब करोगे तो 112 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 100 काट दो इसे, 5 से काट दो, ये 15 बार में कटेगा, 112 गुने में 15 कर दो, ये तुम्हें देगा 1680, और यही तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1680, ठीक है। तो जो हम अभी थोड़ा देर पहले ही डीआई में बताएं कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक तुम क्या करो, कॉमन लेके चीज़ों को काट छाट के थोड़ा सा आसान कर सकते हो, ठीक है। तो
तो जो पार्ट हमारा कैलकुलेटिव का होता है ना, वहाँ पे हम लोग यही रूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही अपनाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, इफ टीचर्स फ्रॉम सिटी एस इज 63%, 6300। ठीक है, टीचर्स जो एस से हैं वो हैं कितने, 6300 हैं। फिर उसके आगे क्या बोल रखा है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, एस 6300 है टोटल टीचर, टोटल टीचर का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 14% दिए हुआ है। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो 14% का वैल्यू कितना है, 6300 के बराबर है। ठीक है, अब आगे पहले देख लो क्या अब निकालना है। फिर बोल रहा है देन गवर्नमेंट टीचर फ्रॉम क्यू एंड आर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द गवर्नमेंट टीचर फ्रॉम टी एंड यू टेकन टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या पूछ दिया है, परसेंट पूछ दिया। एक चीज जान लो कि जब तुम्हें परसेंट या फिर रेशियो के बारे में चर्चा किया हुआ हो, ठीक है, मैंने पहले भी एक आध दो डीआई में बता चुका हूँ कि परसेंट या रेशियो की चर्चा हो तो हमें वहाँ पे ओरिजिनल डाटा जैसे कि ये 6300 इसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट उसके रेशियो पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्यू का तुम्हें क्या निकालना है, गवर्नमेंट टीचर, तो क्यू का परसेंटेज देखो तुम्हारा कितना है, पी क्यू, क्यू का कितना है 18, गवर्नमेंट टीचर कितना हो जाएगा 18 का 5/9। ठीक है, फिर प्लस में, फिर यहाँ से R में आ जाओ, R कितना है तुम्हारा 20% है, 20 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/5। यहाँ से फिर अब तुम यहाँ से T और U का निकाल लो। ठीक है, तो T और U का जब तुम निकालोगे तो T तुम्हारा कितना परसेंट दे रखा है, 12%, 12 का तुम्हारा कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, फिर प्लस में U में आ जाओ, 20 है, 20 का कितना हो जाएगा 4/9, और इसी में बोला है टी और यू का कितना परसेंट है ये निकालने के लिए। तो मान लिया एक्स परसेंट है तुम्हारा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है तुम्हें, 9 से काट दो इसे 2 बार में, 5 × 10 हो जाएगा, 5 से काट दो इसे 4 बार में, 4 × 8 हो जाएगा। तो इधर तो मिल गया हमें 18। अब यहाँ से तुम देखो थोड़ा सा ना, अब यहाँ से अप्रोक्सीमेशन तुम्हें भागना होगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली लिया हुआ है। ठीक है, 12 × 3 करोगे तो तुम्हारा कितना होगा 36, 5 से जब तुम 36 को डिवाइड करोगे तो वो तुम्हें एग्जैक्टली वो 7.2 देगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 20 × 4 करोगे तो 80 देगा, 9 से 81 कटता है 9 बार में, तो लगभग में ये तुम्हारा अप्रॉक्स में 9 ले लो। ठीक है, जो एडजस्टमेंट करना होगा 0.2 के साथ इसका एडजस्टमेंट कर देंगे, तो 9 और 7 जब तुम जोड़ोगे तो वो तुम्हें क्या दे देगा, 16 दे देगा, गुने में x बटे में 100। देखो कितना आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा, 18 है हमारा और यहाँ से 16 हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 का x बटे में 100 निकाल दो, 2 से काट दो इसे 8 बार में, 2 से काट दो इसे 9 बार में। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 9/8 गुने में कितना 100 बराबर में क्या हो जाएगा x। अब तुम यहाँ 9/8 है तो 9/8 को क्या लिख सकते हो, 1+1/8 लिख सकते हो क्या। 1 का मतलब क्या होता है 100%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो यहाँ लगभग में तुम्हें कितना आ रहा है 112 पॉइंट में कितना 5। तो इसके नज़दीकी में तुम देखो सबसे नज़दीक में कौन, और डेफिनेटली ये जो होगा तुम्हारा ये क्या होगा 112 से कम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 112.5 से कम ही होगा, तो कौन सा दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे 112 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है तुम्हारा। तो x की वैल्यू जो निकल गई वो कितनी निकल गई 112% अप्रॉक्स, और यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगर इसको तुम नॉर्मली पूरा लेके चलते तब भी तुम्हारा वही आंसर आता, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वहाँ पे बढ़ जाता तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में देखो क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फाउंड बाय टीचर्स फ्रॉम क्यू एंड एस टेकन टुगेदर। क्यू और एस से कितना का सेंट्रल एंगल बनेगा, तो एस से कितना है हमारा 14% है, क्यू से कितना है हमारा 18% है, तो 18 और 14 को जब तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हें देगा कितना 32%। ठीक है, अब तुमको डिग्री बताना है, तुम्हें मालूम है ये 100% जो है किसके इक्विवेलेंट है 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो 1% किसके इक्विवेलेंट होगा 360/100 कितना का 100 का, तुम्हें 32 डिग्री का वैल्यू बताना है, 32% कितना के बराबर होगा 360/100 गुने में कितना 32, 0 0 यहाँ से काट दो, अब 32 गुने में तुम 36 कर दो। इसे दो तीन तरीके से कर सकते हो, या तो पहले 32 का स्क्वायर करके 32 गुने में 4 निकाल दो, जैसे करना है वैसे कर दो, गुना करने के बाद ये तुम्हें देगा 1152 बटे में 10 है, यानी कि कितना हो जाएगा 115.2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे ये तुम फंडामेंटल इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर 18/5 वाला थ्योरी भी लगा के कि 18/5 से गुना कर दिया, वो भी हमारा वही सेम आंसर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट थोड़ा सा
समझने का सवाल है, ठीक है। डीआई में, हर एक डीआई में एक सवाल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस डीआई का ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है? टीचर्स फ्रॉम सीटीपी ड्यूरिंग 2016 इंक्रीज्ड बाय 25%। अगर मान लो स्टार्टिंग में 16 ही था, तो 16 का जब 25% बढ़ जाएगा, यानी क्या, 125 बटे में 100, 25 से 5, 25 से 4, 4 से 4 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा, वो 20% हो जाएगा। 16% है इसको मान लो, ठीक है, तो 20% हो जाएगा। और बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, 10,800, ठीक है। यानी कि इस 20% का इक्विवेलेंट तुम्हें दिए हुए है 10,800। तो तुम्हारा यहाँ से 100% निकाल सकते हो। 100% क्या है, यहाँ से यहाँ गुना किया तुमने 5, तो इधर भी जब तुम गुना करोगे 5 से, तो ये तुम्हें क्या हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया पाई चार्ट का, वो कितना मिल गया, 54,000 मिल गया। अब तुमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल प्राइवेट टीचर फ्रॉम आर टू एस, आर और एस से फीमेल प्राइवेट टीचर का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 60% और 75% प्राइवेट टीचर फ्रॉम आर एंड एस आर रेस्पेक्टिवली फीमेल, ठीक है। कि आर से जो है 60% लोग जो हैं वो क्या है, प्राइवेट टीचर के 60% लोग जो हैं क्या है, फीमेल है, और एस से 75% फीमेल है। तो तुम्हें इसी को सॉल्व करना है। अब तुम यहाँ पे देखो, ये जो भी कार्यक्रम होगा ये तुम्हारा 54,000 पे ही होगा। 54,000 पे सबसे पहले तुम आर में देखो, आर का कितना है तुम्हारा, 20% है, तो यहाँ पे तुम लिख दो 20%। अब तुम्हें आना है आर से प्राइवेट पे, तो आर का प्राइवेट क्या लिखाएगा, 3/5। अब यहाँ से तुम्हें आना है फीमेल पे, तो फीमेल कितना परसेंट है आर में, 60%, यहाँ लिख दो 60/100, ठीक है। ये 20/100 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। फिर तुम्हें डिफरेंस निकालना है किसके साथ, एस के साथ। एस का देखो तुम्हारा टोटल पॉपुलेशन है कितना, 14% है, यानी कि 14/100, ठीक है, गुने में 14 के बाद क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा 14 जब हो गया हमारा, तो 14 के बाद यहाँ पे इसका रेशियो निकाल दो। 14 का प्राइवेट का रेशियो कितना है तुम्हारा, 4:7 में कितना हो जाएगा, 7। और फिर गुना कर दो यहाँ पे तुम्हारा 75% क्या है, फीमेल है, तो 75% यहाँ से फीमेल ले लो। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर दो। यहाँ से देखो, ये 20 इस 20 से और इस 20 से ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब काटा छाटी यहीं पे करना है। 20 से काटोगे कितना बार में, 5 बार में। 5 से काटोगे 12 बार में, 12/36/5 यहाँ पे काट दो। 25 से 3, 25 से 4, 4 ख़त्म, 7 से 2 बार में, 3 दुना कितना, 6। यानी फाइनली जिससे तुम इंडअप हुए, तो वो इंडअप होकर क्या आया, 5400, 10 नहीं है, ठीक है, 5400। और यहाँ से गुना कर दो तुम 5440 का, क्या यहाँ पे तुम्हारा बच रहा है, 12/36/5 -6, ठीक है, 540। अब यहाँ से 6/5 = 30, और 30 6 में 30 चला जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी 6/5 में क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब 540 है, 5 से काटो इसे, कितना बार में कटेगा, 10, और यहाँ से 8, ठीक है, 108 बार में। 108 गुने 6 कितना होता है, 648, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 648 इस डीआई का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट डीआई में, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, और ये शायद हमारा आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है इस डीआई का, और जो कि सबसे आसान सा सवाल है। क्या बोल रखा है सवाल में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीचर्स, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट, टीचर्स पूरा पूरी कहाँ का, पी एंड क्यू का। भैया पी में कितना है, 16 है, क्यू में कितना है, 18 है, तो 16 प्लस में क्या हो गया, 18। 2 किसके साथ निकालना है, एस और टी के साथ। एस और टी कहाँ है भैया, एस और टी, एस है हमारा 14 और टी है हमारा कितना, 12। तो यहाँ से लिख दीजिए नीचे में, 14 और कितना हो गया, 12 हो गया। 16 और 18 कितना होगा, 34 होगा, और यहाँ से 14 और 12 कितना होगा, 26 होगा। तो 2 से काट दो 17 बार में, 2 से काट दो 13 बार में, यानी रेशियो जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 17:13, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, 17:13। तो इसी के साथ हमारा डीआई का 6th सीरीज भी समाप्त होता है एसबीआई पीओ के लिए, और ये सीरीज का आखिरी सवाल था, ठीक है। तो जिन लोगों को भी ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 1000 सब्सक्राइबर के लिए सब लोगों को थैंक यू, जहाँ तक हो सके इसे फैला दो, और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।